पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। रेल हादसे के बाद जांच करने बघा पहुंचे रेलवे अधिकारी। डीआरएम ने कार्य की गुणवत्ता को लेकर एईएन को लगाई फटकार। 19 को हुआ था हादसा। समस्तीपुर मंडल के डीआरएम विनय कुमार श्रीवास्तव समेत आधा दर्जन अधिकारियों की टीम ने बघा पहुंचकर कई बिंदुओं पर जांच की। इस टीम में समस्तीपुर के डीआरएम विनय कुमार श्रीवास्तव के साथ सीनियर डीईएन को कोऑर्डिनेशन संजय कुमार मौजूद थे। इस दौरान अधिकारियों ने बघा वाल्मीकि नगर रेलवे स्टेशन के बीच रेल ट्रैक का विंडो निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों की टीम बघा रेलवे गुमटी स्पेशल 50C के पास पहुंची और स्पेशल फौजी ट्रेन के डिरेल होने की मामला की जांच की। कार्य की गुणवत्ता को लेकर एईएन को लगाई फटकार। इस दौरान अधिकारियों की टीम रेलवे गुमटी के पास हुए कार्य की गुणवत्ता पर सीनियर डीईएन कोऑर्डिनेशन संजय कुमार ने नाराजगी व्यक्त करते हुए PWI राजेश कुमार एम एईएन नरकटिया का शुभांशु द्विवेदी को जमकर फटकार लगाया, जिसके बाद उन्होंने कार्य की गुणवत्ता पर सवालिया निशान उठाया और इस मामले में जवाब तलब भी किया। एम शीघ्री एईएन को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया। अधिकारियों की टीम ने रेलवे गुमटी के पास सिग्नल सहित अन्य कई तकनीकी बिंदुओं पर भी मामले की जांच की। इसके बाद बघा से रेल ट्रैक की जांच करते हुए वाल्मीकि नगर पहुंची, जहां उन्होंने वाल्मीकि नगर स्टेशन की भी निरीक्षण किया एवं स्टेशन के आसपास साफ सफाई और अधिकारियों को लेकर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मामला 19 तारीख को हुआ था ट्रेन हादसा। बता दें कि 19 तारीख की देर शाम करीब 7 बजे राजस्थान से पश्चिम बंगाल जा रही स्पेशल फौजी ट्रेन बघा रेलवे गुमटी के पास डिरेल हो गई थी, जिसके बाद करीब 13 घंटे तक उक्त रेल खंड पर यातायात भी पूरी तरह से बाधित रहा। इस मामले की जांच को लेकर शुक्रवार को अधिकारियों की टीम बघा एम वाल्मीकि नगर पहुंची। इस दौरान स्टेशन परिसर व आसपास के रेल ट्रैकों पर साफ सफाई पूरी तरह से दुरुस्त की थी। मैं रोहित चौधरी, भद्रपाट न्यूज़, दतिया।